हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो आप सभी भी ठीक होंगे। सॉरी मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे बेबी को इंजेक्शन लगा था जो थर्ड मंथ पे लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। तो उस टाइम एक मदर ही बच्चे को संभाल सकती है। वैसे तो सारे संभाल रहे थे, नाना नानी मामा मामी, बट फिर भी जो एक मदर जगह ले सकती है वो कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए मैं कल पूरा दिन बच्चे के साथ ही थी। तो अभी चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये मेरी बेबी की लेफ्ट साइड लेग है, इस पे इसकी थाइस पे लगा हुआ है इंजेक्शन। इतनी ज़्यादा पेन थी इसको कल, इतनी ज़्यादा पेन थी, बेचारा हिला भी नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से सब ने इसको कल गोद में ही रखा। जैसे ही नीचे रख रहे थे तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जब गोद में उठा लो तो चुप कर रहा था। तो कल पूरा दिन हमारा ऐसा ही गया बच्चे के साथ, और इसका बहुत ज़्यादा इसको पेन हो रही थी लेफ्ट साइड में। और ये हमारे घर के कुछ ही किलोमीटर में सिटी है छोटी सी तलवाड़ा, वहाँ के मैंने कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं दशहरा ग्राउंड के। काफ़ी अच्छा दशहरा मनाया जाता है और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने आते हैं दशहरा। हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बच्चे गए हुए थे भैया के, ज़्यादा तो बच्चे ही इन्जॉय करते हैं। जैसा कि ये मेरे भाई की बेटी है दिव्यांशी। कौन सी क्लास में पढ़ती है दिव्यांशी? ये सेवेंथ में पढ़ती है। अभी इसकी ऑनलाइन ट्यूशन चली हुई है। बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेस रहता है, क्या करें बच्चे। 4 बजे आते हैं, 4 से 5 इनकी रेस्ट होती है, और 5 बजे बेचारे फिर पढ़ने लग रहे हैं। कैसा लग रहा है दिव्यांशी, पढ़ना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ठीक ठाक। देखो बेचारे बच्चों के चेहरों से ही पता चलता है कि इनको कैसा फील हो रहा है। चलो अभी मैं इसकी इतनी वीडियो बनाती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करती हूँ। होप सो आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके मोटिवेशन से ही मुझे हौसला मिलेगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय माता दी, गुड नाइट।